स्पून विद फूक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बच्चे और बड़े सबकी फेवरेट डिश है। चलिए इस चीज़ी से डिश को बनाना हम शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम लेंगे आधा कप हल्का सा गर्म पानी। इसमें हम मिलाएंगे 2 टीस्पून यीस्ट, ये इजीली आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए। इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल तेल भी यूज कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आप हाथों से ही मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाथों से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। इस पर हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे हम उसमें। इसे हम एक अच्छे से राउंड शेप में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो आप इसे नॉर्मल प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे गर्म जगह पे। अगर आप चाहते हैं जल्दी से फर्मेंट हो तो इसे कंबल में रैप करके रखिए, बाहर से ये जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। जब तक पिज्ज़ा डो हमारा फर्मेंट हो रहा है, हम चीज़ स्प्रेड बना के तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बर्तन में लीजिए 2 टेबलस्पून बटर, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा पर मैंने इसे घर में बनाया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रेटेड चीज़, ये हमारा नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें ऐड कीजिए 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क। दूध हमें ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना है, नहीं तो ये बहुत पतला बनेगा। इसे हमें थिक बनाना है। अगर आप चाहते हैं आपका चीज़ स्प्रेड जल्दी से थिक बने तो इसमें आप 1 टीस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें मीडियम हीट पे पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह से व्हिप करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये बन चुका है, रेडी है ये पिज़्ज़ा डो भी हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब हम प्लास्टिक रैप इस पे से निकाल देंगे। इसे हम एक बार और अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 भागों में। चीज बस बनाने के लिए एक हिस्सा बड़ा रखेंगे और एक हिस्सा छोटा रखेंगे हम इसका। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। जो छोटी वाली लोई है उसकी हम रोटी बना लेंगे। इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसे थोड़ा पतला ही बनाना है, जिसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं हमारी। इसे दोनों साइड से हल्का सा हम सेक लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़े सेकंड्स के लिए इसे अच्छी तरह से सेक लेना है हमें। अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। उसके लिए जो बड़ा वाला हिस्सा हमने लिया था उस पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। आप चाहे तो मक्के का भी आटा यूज़ कर सकते हैं।
और इसे हम हाथों से ही स्ट्रेच करते जाएंगे। आप चाहे तो बेलन से भी आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। बेस बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपका बेस आपकी रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा हो। अब फोक की मदद से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। अब हम इसमें स्प्रेड करेंगे चीज स्प्रेड जो हमने तैयार किया है। इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड करेंगे। इस पे हम प्लेस करेंगे हमारी रोटी और इसे हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसे हम कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें फोक की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लॉक कर देना है ताकि बेक करते वक्त चीज हमारा बाहर ना आए। आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से लॉक हो गया है। अब इस पे हम स्प्रेड करेंगे हमारा पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, आप वहां से देख के बना सकते हैं। यहां मैंने अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून पिज्जा सॉस यूज किया है। अब इस पे हम स्प्रेड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून मोजरेला चीज ग्रेट किया हुआ। इस पे हम वेजेस की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हमने लेयर लगाई है अनियंस की क्यूब्स में कट करके। अब हम लेयरिंग करेंगे कैप्सिकम की। इसे मैंने रिंग शेप में कट किया है, आप चाहो तो इसे क्यूब्स में भी कट करके डाल सकते हो। अब टमाटर की लेयरिंग करेंगे। अब इस पे स्वीट कॉर्न हम स्प्रिंकल करेंगे कुछ। इस पर हम 4 to 5 टेबलस्पून ग्रेटेड मोजरेला चीज ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड करेंगे। यहां मैंने पिज्जा ट्रे ले लिया है, इसे हम ग्रीस करेंगे बटर के साथ। इस पे हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा। अवन को मैंने प्री हीट पे रख दिया है 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। अब ट्रे पे हम प्लेस करेंगे हमारा पिज्जा। अब हमें इसे बेक करना है 250 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। हमारा पिज्जा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। अब इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा ओरिगैनो। इसे हम कट कर लेंगे पीसेस में। अब एंड इट्स डन, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।